तो भाई फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, डलनेस आ गई है एंड एंटी एजिंग आ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, लाइंस पड़ रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट होममेड पैक लेके आ गई हूँ मैं। इसको मैंने पहले से बना लिया था, वीडियो लेना भूल गई, बट इसमें क्या क्या मिक्स किया है मैंने वो बता देती हूँ आपको। इसमें है बेसन, थोड़ी सी हल्दी एंड दही। दही बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, जो फाइन लाइंस होती है उनको कम करता है, और जो हल्के फुल्के दाग धब्बे होते हैं उनको भी रिमूव करता है। दही आप सिंपल ऐसे भी लगा सकते हो, इस तरीके का पैक बना के भी लगा सकते हो। बेसन का तो आप जानते ही हो, जितना भी स्किन पे डेड स्किन होता है उसको रिमूव करता है, एंड हल्दी आपके स्किन को फेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलाई गई हैं इसमें। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप विटामिन ई की एक कैप्सूल इसके साथ ऐड कर दीजिएगा। ऑयली स्किन है फिर तो आप ऐसे ही लगा सकते हो बेसन हल्दी और दही को मिक्स करके, बट ड्राई है तो एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप ये विटामिन ई की कैप्सूल, सॉरी विटामिन ई की कैप्सूल को इस तरीके से छेद करोगे, सॉरी, और इसको पूरा अच्छे से इसमें डाल लेंगे और मिक्स करके पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। इसको सूखने देंगे, सूखने के बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। इसमें आप कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकते हो और भी बढ़िया रिजल्ट के लिए। इस तरीके से आपको लगाना है, पूरे फेस पे इस तरीके से मैंने लगा लिया है और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी। बीस मिनट या फिर जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक, और जब इसको रिमूव करना है तो 15 मिनट तक इसको सॉरी गीला करके स्क्रब की तरह रिमूव करना है, मसाज करना है, उसके बाद वॉश कर देना है। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से लगा लिया है और इसको सूखने देंगे। तो चलिए मिलते हैं इसको सूखने के बाद, पूरा ड्राई होने के बाद। तो इस तरीके से मैंने फेस को वॉश कर लिया है हल्का सा रब करते हुए, और कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बट अच्छा सा फेस पूरा फ्रेश लग रहा है। उसके बाद मैंने ये वाला टोनर लगाया था, डर्मोडॉक का, इस तरीके से, ये स्प्रे वाला नहीं है तो इसको हाथों में लिया है मैंने, और इस तरीके से लगा के पूरे फेस पे इस तरीके से लगाएंगे। इसके बाद मैंने लगाया था ये विटामिन सी का सीरम, अगर आप भी इस तरीके से सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आपका धीरे धीरे जो स्किन में है वो इम्प्रूव दिखने लग जाएगा, और जो भी स्किन में प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और स्किन ग्लोइंग हेल्दी एंड खूबसूरत हो जाएंगी। उसके बाद मैं लैक्मे का मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।